साहब मेरे ताया का बेटा था। हम दोनों एक ही घर में रहते थे। बचपन से ही हम दोनों के दरमियान बहुत दोस्ती थी। दोस्ती वक्त के साथ बदलते बदलते मोहब्बत में तब्दील हो गई। वो एक पल भी मेरे बगैर नहीं रह सकता था। जितनी शिद्दत से वो मुझसे मोहब्बत करता था, ताई अम्मा उतना ही मुझसे गुरेज करती थी। ताई अम्मा और फरिया आपी कभी नहीं चाहती थी कि हमारी शादी हो। उससे तो मुझे अपना जुनून बना लिया था। अमेरिका जाने से पहले हर हाल में मुझसे शादी करना चाहता था। उसकी जिद के सामने ताई अम्मा को हार माननी ही पड़ी। ताया अब्बा बहुत प्यार करते थे मुझे, बहुत अच्छे थे वो, बहुत चाहते थे मुझे। ताई अम्मा मान तो गई थी, मगर सिर्फ हमारे निकाह के लिए। मगर सायम, उसने तो जैसे पहले ही प्लान बना रखा था मुझे रुखसत करने का। सब कुछ इतनी शिद्दत, इतने जुनून, इतनी तेजी से कर रहा था कि जैसे वो जानता हो कि उसके पास वक्त बहुत कम है। वक्त में जब वो मोहब्बत थी तो शायद कोई उम्र फिर भी नहीं दे सकती। मैं सायम को नहीं भूल सकती। दोनों ने साथ जीने मरने की कसमें खाई थी। वो चला गया और मैं नहीं बुला सकती। ये मेरे बस में ही नहीं है। तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा मैं कि तुम उसे भूल जाओ।